والصلاه والسلام على رسوله الامين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين وكما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम सहेब बिलाल भाई वसीम मिर्ज़ा भाई मौलाना ज़हीर अब्बास साहब और मेरे अजीज़ साथियों भाइयों बुजुर्गों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बेतहा नेमतों में से एक नेमत और सबसे बड़ी नेमत जो कुरान मजीद की जो इंसानों की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना आखिरी पैगाम भी भेजा है, रमजान मुबारक वो महीना है जिसमें ये अजीम नेमत और अजमत वाली ये किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका, और दूसरी जगह फरमाया इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र। वो लैलतुल मुबारका और लैलतुल क़द्र एक ही रात है जिसमें हमने इस कुरान को नाजिल किया। रोजों की फर्जियत का मकसूद इस आयत में ये बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, यकीनन इस रमज़ान की फर्जियत को अदा करने के बाद और इस पूरे मरहले से गुजरने के बाद तुम मुत्तकी बन जाओगे। मुत्तकी का मर्तबा और मकाम जो उमूमन जहनों में होता है कि वो कोई तारीख दुनिया हो, वो उसका दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो और वो महज इबादत में और जिक्र इलाही में ही मसरूफ रहे, इस तसव्वुर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म फरमाया और फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, कतअ दुनिया नहीं है, तर्क दुनिया नहीं है। इस दुनिया के अंदर रहते हुए लोगों से मेल जोल रखते हुए उनकी ईज़ा रसानियों को बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह और रसूल की इताअत और फरमा बरदारी करना और हुकूकुल इबाद अदा करना, ये इस्लाम है। इसलिए हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है, ये उस शख्स से बेहतर वो शख्स है जो लोगों से मेलजोल रखता है और उनकी ईज़ा रसानियों पर सब्र करता है, ये उस शख्स से बेहतर है जो लोगों से मेलजोल ही नहीं रखता। जब मेलजोल नहीं रखेगा तो उनकी ईज़ा रसानी और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र तो दूसरा मरहला है, वो ईज़ा और तकलीफ़ों को उनका सामना ही नहीं करेगा। कुरान, रमज़ान और तक़वा इन तीनों का बहुत अहम गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुस्लिमों पर जो फ़र्ज आयद किया है, जो जिम्मेदारी आयद की है, वो शहादत हक की जिम्मेदारी है। उम्मत वसत तुम्हें जो बनाया है, बेहतरीन उम्मत जो तुम्हें करार दिया है, कुन तुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिलमारूफ वतनहौना अनिल मुनकर, फरीजे की जिम्मेदारी जो तुम्हें अता की।
और ये कुरान मजीद जो तुम्हें अता किया है, उस वक्त जब कुरान नाजिल हो रहा था मक्का में ऐसे लोग भी थे जो तौहीद के इकरार करने वाले थे, जो आखिरत पर यकीन रखते थे, जो उसने सलूक करते थे, जो उसे रहमी करते थे, जो शराब जुए से और कत्ल गारत गरी से और गुनाहों से दूर रहते थे, लेकिन वो उस फर्ज को भूल गए थे जिस फर्ज की तकमील के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को और खुसूसन हामिलीन किताब यहूदो नसारा को और मुसलमानों को इस दुनिया के अंदर जिम्मेदारी तफवीज की। वो महज पैदा होना, खाना पीना, रहना और इस दुनिया से गुजर जाना नहीं था, और कुछ नेकियां कर लेना ये भी नहीं था। वो मकसूद ये था इस दुनिया के अंदर भेजे जाने का, इंसान का, उम्मत मुस्लिमा का, कि वो इकामत दीन का काम सर अंजाम दे। ये कुरान जो उसे अता किया जा रहा है, इस किताब को नाफिज करे और गालिब करे। यकीनन ये काम इतना आसान तो नहीं था, ये कोई फूलों की सेज तो नहीं थी कि बस इरादा करे और उस पर चल पड़े और अपना मकसूद हासिल कर ले। ये लोगों से कहे कि लोगों में आया हूँ इस कुरान को नाफिज और गालिब करने के लिए, इस दीन को नाफिज करने के लिए, इसको गालिब करने के लिए, और लोग उसके राहों में आंखें बिछाते हैं, उस पर फूल निछावर करते हैं। नहीं, ये कांटों भरा रास्ता था, ये संग्राम वादियां थी, ये पूरा अशोक रास्ते थे, ये ऐसी घाटियां थी जो आग में जल जाना था और तब जाना था, इंतहाई कठिन मरहले थे जिनसे उसको गुजरना था। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने, मुझ तफसील में नहीं जाता, लेकिन उस रास्ते पर जब आप चले और कदम बढ़ाए तो फिर पत्थरों का सामना करना पड़ा, कांटे आपके रास्ते में बिछाए गए, कैदो बंद की और भूख और फाका और कहर के मरहलों से आप गुजरे। इन अशद अन्नास बला मिन अंबिया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे सख्त तरीन आजमाइशें अगर आई हैं तो वो अंबिया पर, जिनका तसव्वुर हम नहीं कर सकते, उन कठिन राहों से उन्हें गुजारा गया। और ये सब कुछ इसलिए था, ये सारे मराहिल इसलिए तय करवाए गए थे कि वो इस दुनिया में अल्लाह के निजाम को नाफिज कर सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मराहिल से गुजारने के लिए तरबियती जो मरहले हमें अता किए, ये इबादात अता की, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही, ये बुनियादें जो हमें अता की, बुनियाद इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व इताइस ज़का व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, ये बुनियादें इसलिए थी, ये बुनियादें थी इस पर इस्लाम की इमारत को तामीर होना था। ये तामीर आसान नहीं थी, मुश्किल थी, कठिन थी। इसलिए आप देखें कि जो मजदूर होते हैं, हर शख्स मजदूरी नहीं कर सकता, हर शख्स ये मेहनत शाख्ता का काम नहीं कर सकता, हर शख्स दुश्मन का मुकाबला सरहद पर खड़ा होकर नहीं कर सकता, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको तरबियत की जरूरत है, उसे भूख और प्यास बर्दाश्त करना है, तब वो जाकर मेहनत मजदूरी और मेहनत शाख्ता का काम कर सकता है। मजबूत बदन होना चाहिए, उसके पास ताकत होनी चाहिए, उसके पास हौसला होना चाहिए, उसकी नजर बुलंद होनी चाहिए, और वो ये काम करेगा, तरबियत और ट्रेनिंग के बाद करेगा। अगर किसी साहिब को बगैर ट्रेनिंग और तरबियत दिए असला लेकर सरहद पर दुश्मन के सामने खड़ा कर दिया जाए तो यकीनन वो खुद भी नुकसान उठाएगा और पूरे लश्कर को नुकसान पहुंचाने का सबब बनेगा। इसलिए ये जो फरीजा है, ये नुज़ूल कुरान, ये नुज़ूल कुरान महज नुज़ूल कुरान तो नहीं था, ये किताब इसलिए तो नहीं दी गई थी कि तुम इसे पढ़ो और सवाब हासिल करो, महज इसको पढ़ना भी, इसको समझना भी, इस पर अमल करना भी, और इसको पूरी दुनिया पर नाफिज करना।
खुदू माता ही ना पकड़ो मजबूती से जो हमने तुम्हें अता किया है। जो रसूल तुम्हें अकामात दे रहे हैं उसे मजबूती से पकड़ो, और मजबूती से पकड़ने का मतलब भी यही है कि उसे अपने दायरे में इज्तिमाई और इंफरादी तमाम दायरों के अंदर नाफिल और वाजिब होना चाहिए। इस फर्ज की तकमील के लिए ये भारी जिम्मेदारी जो हम सब ने शहादत हक की उठाई अपने कंधों पर, वैसे तो मजमूई लिहाज से पूरी उम्मत मुस्लिमा इसकी अहल है और इसकी जिम्मेदारी उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयद की है, लेकिन खास तौर पर हम जमात इस्लामी के कारकुनान सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह के सिपाही, जिनका कौल था कि कुरान और सुन्नत की दावत लेकर उठो पूरी दुनिया पर छा जाओ, ये इसी कलमे की इसी जिम्मेदारी की तशरीह थी जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने इस जुमले के अंदर फरमाई। इस पैगाम को लेकर निकल पड़ना और लोगों को इस पैगाम से आश्ना करना और माशरे के अंदर इसका निफाज और गलबा करना, यकीनन ये इंतहाई मुश्किल और कठिन जिम्मेदारी है जो हमारे कंधों पर आई थी, उम्मत मुस्लिमा के कंधों पर आई थी। इसकी अदायगी के लिए रमजान मुबारक का एक पेश बहार नेकियों का महीना, तरबियत का महीना, याद दहानी और तस्कीर का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया। इसकी अहमियत के पेश नजर शाबान के आखिरी दिनों में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत बहेती और नसाई में है, मुबारक लोगों तुम पर अल्लाह के रसूल ने लोगों को जमा किया, सहाबा को जमा किया, शाबान के आखिरी दिन थे कि रमजान शुरू होने वाला था, और फरमाया लोगों तुम पर एक अजीम शान बरकतों वाला महीना लाजिम आने वाला है, साया खगन होने वाला है, छा जाने वाला है। इसके दिनों में अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज किए, रात में कयामुल लैल आई, इसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मगफिरत का है, तीसरा जहन्नम से निजात का है। ये वो महीना है जब आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यानी आसान कर दिया जाता है जन्नत में दाखिला, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, यानी जहन्नम में दाखिला इंतहाई मुश्किल कर दिया जाता है, और इस जन्नत में दाखिले के लिए और जहन्नम से बचने के लिए सुफिदत शयातीन और दूसरी रिवायत में सुलसिलत शयातीन, शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, जंजीरों में बांध दिया जाता है, यानी इतना एहतमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से किया जाता है ताकि तुम अपने लिए जन्नत की राह को और आसान कर लो, आसान से आसान तर कर लो, जहन्नम में दाखिले की जो राह है उसको मुश्किल से मुश्किल तर कर लो अपने लिए। इतना अजमतों वाला महीना, इसमें फरमाया कि सुबह से लेके शाम तक तुलुए सादिक से लेके तुलुए सादिक, सुबह सादिक जिसको हम कहते हैं, फजर सानी कहा जाता है इसको, उस वक्त से लेके गुरूब आफताब तक ये पूरा वक्त है। इसलिए रोजा नाम है वल इंसाक मिन तुलु इला गुरूब शम्स, अपने आप को खाने पीने और नफसानी ख्वाहिश से रोकने का नाम सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक ये पाबंदी करनी है। इसमें अपने आप को खाने पीने से नफसानी ख्वाहिशात से रोकना है, ये कंट्रोल हासिल करना है, अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे करना है, ये ट्रेनिंग हासिल करनी है। ये एक दो तीन चार दिन पांच दिन का नहीं, पूरे 29-30 दिन का होगा, पूरे महीने का होगा ये मरहला, और इस मरहले से अपने आप को गुजारना। दूसरा काम इस महीने में कयामुल लैल है, यानी तरावी की नमाज 20 और 8 रकात की बहस में हम नहीं पढ़ते, 3-8 पढ़ता है, 20 पढ़ता है, लेकिन उसको इस मरहले से गुजरना है। कयामुल लैल अव्वल शब में ईशा के बाद से तरावी का वक्त शुरू हो जाता है, यही कयामुल लैल मुफस्सिरीन ने कहा, मुहद्दिसीन ने, कि रमजान का कयामुल लैल ये, और इससे